सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 10 रैकेट्स अंडर 1500 रुपीज जो शायद आप हमेशा खोजते रहते हो। तो इस वीडियो के एंड में आप कमेंट्स में जरूर रिप्लाई कर देना। थैंक यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रैकेट का क्या नाम है? नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। अच्छा, तो ये है डेंजो अराशी 1.0। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी एक रील में, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं। एक रैकेट एक हेड हैवी रैकेट है, तो ये अटैकिंग के लिए बेस्ट रहेगा। ये रैकेट तीनों कैटेगरी में अवेलेबल है, हेड हैवी, लाइट वेट एंड बैलेंस रैकेट। क्यों हिला डालाना? अगर इसकी ग्रिप साइज की बात करें तो G4 आपको ग्रिप देखने को मिलती है। अंडर 1500 अगर मैं इस रैकेट के बारे में बात करूँ तो आपको 30 lbs की टेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक इंटरमीडिएट या फिर एक बिगिनर है तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट रैकेट गेस करो कौन सा होगा। अरे मेरे को क्या मालूम कि। तो हमारा नेक्स्ट रैकेट है 100 का 900 वाइपर अटैक। ये काफी ज्यादा पॉपुलर है 100 की सीरीज में, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिकली उन प्लेयर्स के लिए बनाया गया है जो थोड़ा अटैकिंग गेम खेलते हैं। इस रैकेट की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको फाइनेस्ट ग्रेफाइट देखने को मिल जाता है। वेट इसका 79 ग्राम्स है। कर्व 2 टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो आपके स्वीट स्पॉट को 8% तक बढ़ा देते हैं। कंपनी इसको ब्रांडिंग करती है किंग ऑफ द कोर्ट, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये काफी अच्छा रैकेट है इस रेंज में। तो हमारा नेक्स्ट रैकेट है यंग पैशन 19 एक्सट्रीम। तो इस रैकेट की थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस रैकेट में आपको 76 ग्राम का वेट मिलता है, जो कि काफी लाइट वेट है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको लाइट वेट रैकेट होने का क्या नुकसान है। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है। आपको मैं बता दूं थोड़ा कम मोमेंटम मिलता है आपको अपने शॉट्स में, थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी अपने शोल्डर से। इस रैकेट में आपको मैक्सिमम टेंशन 30 lbs तक मिल जाती है। इसमें मसल फाइबर टेक्नोलॉजी यूज करने के बजाय ये काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बेस्ड रैकेट बन जाते हैं इस कैटेगरी का। अगर पावर और परफॉर्मेंस की बात करी जाऊं तो इस रैकेट की, तो ये रैकेट बिल्कुल बेस्ट है पावर परफॉर्मेंस के टर्म्स में, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रैकेट है टेंजो कटाना। इस रैकेट का वेट 84 ग्राम्स है। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट रहेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस रैकेट में भी आपको तीनों कैटेगरी देखने को मिलती है, बैलेंस, हेड हैवी एंड लाइट वेट। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस प्राइस रेंज की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में आपको ग्रेफाइट फ्रेम नहीं मिलता देखने को, लेकिन ये कंपनी आपको ग्रेफाइट फ्रेम प्रोवाइड करती है। अगर आप योनेक्स और लीनिंग की बात करोगे तो इस प्राइस रेंज में आपको कोई अच्छा रैकेट शायद देखने को ना मिले, वो सारे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम ही देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं लेना, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट लेना, हाई एंड कार्बन ग्रेफाइट। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी। तो इस रैकेट में आपको 32 lbs की मैक्सिमम टेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि बताता है कि ये रैकेट काफी ज्यादा हाई एंड ग्रेफाइट से बना हुआ है। अगर आप इस वीडियो में योनेक्स के कोई भी रैकेट देखने के लिए सोच रहे हो या फिर उसके लिए क्लिक करा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं तो इसमें आप इस कैटेगरी में आपको योनेक्स का कोई भी रैकेट देखने को नहीं मिलेगा। वो सारे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम थोड़ा भारी होता है ग्रेफाइट से, जो कि आपकी स्मैश की स्पीड को डेफिनेटली डिक्रीज ही करेगा। तो अभी तक तो कोई योनेक्स का रैकेट आया नहीं है इस कैटेगरी में जो कि मैं आपको रिकमेंड कर सकूं, लेकिन हाँ कुछ रैकेट हैं वो एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ है। मैं उसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इतने ज़्यादा फैन हो कि परफॉर्मेंस नहीं देखनी, योनेक्स ही लेना, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप कोई भी न्यू रैकेट लेते हो तो आपको एक ट्रिक के बारे में बताता हूँ। नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, इसे दबा दो, ग्रे हो जाएगा। ये तो मुझे आती है, मालूम है मुझे से। आप गैस करो नेक्स्ट रैकेट कौन सा होगा। पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आपको। अरे इस रैकेट को देखो यार, जस्ट लुकिंग लाइक इट। तो नेक्स्ट रैकेट है हमारा यंग का फ्यूरी 9। तो इस रैकेट का वेट अराउंड 75 ग्राम्स है। तो अगर आप डबल्स वगैरह खेलते हो तो इसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो। सिंगल्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हेड हैवी की तरफ आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें आपको हाई मॉडुलस ग्रेफाइट देखने को मिलता है, मैक्सिमम टेंशन 30 lbs। जो भी रैकेट इस रेंज में आते हैं और आपको हाई एंड टेंशन प्रोवाइड करते, तो इसका मतलब उनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, आप बिल्कुल उन्हें कंसीडर कर सकते। तो इस कैटेगरी का सबसे एडवांस रैकेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है रॉक 88 100 की तरफ से आने वाला रैकेट है। 100 के रैकेट के बारे में आपको 5 बातें बताता हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको हाई मॉडुलस ग्रेफाइट देखने को मिलता है, जो योनेक्स के रैकेट में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जिसका अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले यार, उसको जरूर लेना चाहिए रैकेट। तो ये रैकेट तो बिल्कुल भी मत छोड़ना,
ठीक है, अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से देखना कि आपको कौन सा रैकेट लेना है। अगर आपकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम है 1200-1300 तो आप टेंजो की तरफ जा सकते हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा लेने हैं तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो आपको इसमें कर्व टू टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो 100 के किसी भी रैकेट में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको पावर नैनो फ्रेम देखने को मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज में आना बहुत ही मुश्किल है किसी भी रैकेट में। तो अगर आप कंपनी से प्रोवाइड कर रही है तो आप बिल्कुल इसे लेना चाहोगे यार। वेट इसका 88 ग्राम्स है, जो सिंगल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर वेट इसका 88 ग्राम है, अगर आप लाइट वेट रैकेट हमेशा प्रेफर करते हो तो आपके लिए रैकेट नहीं बना। और इसकी मैक्सिमम टेंशन है 32 lbs, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको टॉप 5 रैकेट्स अंडर 3000 रुपीज़ चाहिए तो उसका वीडियो का लिंक यहाँ आ रहा, यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो।